हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए, हम यहाँ पे ये हमारे अंगूठे वाले जो जुराफ होते हैं वो बिनाई कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये एड़ी है। तो एड़ी की सिलाई कैसे करते हैं आपको दिखाएंगे। पसंद आई तो लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट करिए, वीडियो को फुल वॉच करिए। न्यू मेरे चैनल पर तो पहले वीडियो को फुल वॉच करिए, प्यारा सा कमेंट करिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुँचते रहे। तो ये देखिए, इसमें एड़ी की सिलाई किस तरह से करते हैं आपको दिखाएंगे। ये देखिए, हम इसी सिलाई से जिससे हमने बिनाई किया था उसी से हम सिलाई करते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से हम सिलाई करते हैं। सिलाई करने का सबसे आसान तरीका है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। ये यहाँ पे धागा बचा हुआ है, तो इसी से हम इस तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से बिनाई करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, इस तरह से खींचेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ से ऊपर ऊपर से फिर सिलाई को डालेंगे, फिर इसी तरह से बिनाई करेंगे। इस तरह से धागा घुमाएंगे और इसको हम वापस लाएंगे इस तरह से। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए, इस तरह से डालेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से धागा घुमाएंगे और यहाँ से, क्या आप देख सकते हैं, सबसे आसान तरीका। यहाँ पे सुई की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और हम इसी सिलाई से हम इसकी सिलाई भी कर लेते हैं। देखिए, हम पहले ये एड़ी की सिलाई कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं। पहले इस तरह से ये यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे हम एड़ी बनाएंगे। इस तरह से हम एड़ी की सिलाई करेंगे, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से यहाँ से अंगूठा है और यहाँ से हम एड़ी की सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इसमें हम, ये देखिए इस तरह से बिनाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इससे जो है सिलाई सुई की तरह सिलाई की जाती है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह घुमाएंगे, एक तरफ से भी घुमाएं, एक ही तरफ से घुमाएंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए धागा पीछे की तरफ, और ये देखिए इस तरह से। ये देखिए, फिर यहाँ से धागा खींच लेंगे और इसी प्रकार से हम यहाँ से सिलाई को डालेंगे। फिर यहाँ से इस तरह से धागा घुमाएंगे और यहाँ पे इस तरह से इसको वापस लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम सिलाई करने का सबसे आसान तरीका। सिलाई के माध्यम से भी हम इस तरह से सिलाई कर सकते हैं। तब ये होता है कि कभी आसानी से हमें सुई नहीं मिल पाती है, तो सबसे सरल तरीका यही बना सकते हैं आप, ये इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए हम, तो ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। यहाँ से हम इस तरह से इसके बीचों बीच से हम इस तरह से गांठ लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से हम इसको खींच लेंगे। तो ये देखिए, हमारी ये जो एड़ी होती है उसकी सिलाई हम यहाँ से सिलाई के माध्यम से ही हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए कैसा लग रहा है, जरूर बताइए। और यहाँ पे ये देखिए हमारा ये एड़ी है जो यहाँ पे हमारा हमने सिलाई कर लिया है, ये देख सकते हैं। और इसमें पता नहीं चल रहा है कि किससे हमने सिलाई कर रखा है, ये आप देख सकते हैं। तो सुई की तरह सिलाई बन गई है इसमें, ये आप देख सकते हैं।
ये इस तरह से जो हमारा ये एरी वाला भाग होता है उसको हमने इस तरह से सिलाई कर लिया है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे एरी की सिलाई कर लिया है। ये देखिए हमारा ये इस तरह से बन के आता है, ये देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे एरी बनता है। उसके बाद हम अंगूठी की सिलाई अभी नहीं की है। तो ये देखिए हम इसे ये सिलाई कैसे लग रही है जरूर बताइए। हमने ये इस सिलाई की माध्यम से ही ये सिलाई तैयार किया है। ये आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।